चोपड़ा माइनर पर बने पक्के अवैध निर्माणों को हटाया। अब की बार बरसात में हो गए थे जलभराव के बुरे हालात। धौलपुर शहर के हुंडावाल नगर से गुजर रही चोपड़ा माइनर पर लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्के मकानों के निर्माण कर लिए हैं, जिसकी वजह से बरसात के सीजन में जलभराव के हालात बन गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में चोपड़ा माइनर पर अवैध निर्माण कर बनाए गए 14 मकानों को ध्वस्त करने की सिंचाई विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग धौलपुर के अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा ने बताया कि बरसात के सीजन में धौलपुर शहर में भारी जलभराव हुआ है। उन्होंने बताया कि जलभराव की वजह उर्मिला सागर से निकली चोपड़ा माइनर पर अतिक्रमण होना बन गया है। 1300 मीटर लंबाई की चोपड़ा माइनर पर हुंडावाल नगर कॉलोनी के लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्के मकानों के निर्माण कर लिए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में चोपड़ा माइनर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद सोमवार से शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग ने 14 पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया है। इनमें से 6 पक्के मकानों को सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है, बाकी को हटाने का काम जारी है। मंगलवार को फिर से अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। देर शाम तक सभी पक्के अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा चेतावनी भी दी है कि आगे अवैध कब्जा किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चोपड़ा माइनर है, उर्मिला सागर बांध से रिलेटेड, तो सिंचाई विभाग की लैंड है ये। इसमें क्या है, काफ़ी समय से अतिक्रमण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और जल भराव की समस्या आ रही थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इसकी पैमाइश की गई। सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए जिन जिनका अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, और कल से ये लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।